अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर और तुर्की के TB2 ड्रोन को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया दुनिया के सारे ड्रोनों का बाप। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने उस नामुमकिन से दिखने वाले काम को अंजाम तक पहुंचा दिया है, जिस क्षेत्र में अभी तक अमेरिका, इसराइल और तुर्की की बादशाहत चलती थी, जिसमें तुर्की को आगे रखकर पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता था। दोस्तों, भारत कुछ समय पहले ही इस बात को महसूस कर चुका है कि किस तरह से तुर्की द्वारा दिए गए एक छोटे से ड्रोन ने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में आर्मेनिया के अमोघ हथियारों को भी कबाड़ बना दिया, किस तरह से अमेरिका द्वारा दिए गए ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन आज भी रूस पर भारी पड़ रहा है और रूस को मजबूर होकर ईरान और चीन से ड्रोनों का आयात करना पड़ा है, और किस तरह से अमेरिकी ड्रोन ने सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान में भूचाल ला दिया था। दोस्तों, इन सारे युद्धों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी और वो थी ड्रोन्स का इस्तेमाल। और इसी चीज को देखते हुए कुछ समय पहले भारतीय सेना प्रमुख ने भी कहा था कि देश पर ड्रोन हमले का खतरा बेहद गंभीर हो चुका है। ऐसे में भारत के ड्रोन जखीरे को जल्द से जल्द मजबूत करने की जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर आने वाले समय में दो देशों के बीच युद्ध होता है तो मानव रहित विमान यानी कि UAV ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बात करें भारत की, तो इसे आप पिछली सरकारों की गलती कहें या फिर भारत का दुर्भाग्य, क्योंकि भारत आज भी ड्रोन डेवलपमेंट के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान से भी पीछे चल रहा है। ऊपर से चीन और तुर्की लगातार पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोनों की सप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान आए दिनों भारत को बॉर्डर पर आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोनों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि भारत ड्रोन के साथ साथ उसकी तकनीक भी चाहता था, लेकिन दूसरे मुल्कों ने भारत को अपनी ड्रोन तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसा भारत के साथ कई बार हो चुका है, जब दूसरे मुल्क भारत को अपना हथियार तो ऑफर कर चुके हैं, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आती है तो ये सारे देश अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। दोस्तों, भारत के सामने जब भी इस तरह की स्थिति आई है तो भारत ने अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए इसी तरह के हथियार बेहद ही कम समय में विकसित करने का एक मिशन स्थापित कर लिया है, और भारत ने ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, और पूरी दुनिया भारतीय हथियारों को देखते रह गए। दोस्तों, इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दो ऐसे महायोद्धा तैयार कर लिए हैं जो भारत के सबसे मायावी हथियार साबित होंगे, क्योंकि इनका तोड़ न तो चीन के पास होगा, न पाकिस्तान के पास, और न ही दुनिया के किसी अन्य देश के पास। इसके अलावा न ही भारत ने इनकी ताकत को लेकर कोई खुलासा किया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जो दावा किया जा रहा है, यकीन मानिए, इन दोनों हथियारों की ताकत को देखकर चीन तो चीन, अमेरिका की भी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था, अब भारत के वैज्ञानिकों ने उससे भी एडवांस तकनीक वाला हथियार विकसित कर लिया है। दोस्तों, इन दोनों हथियारों में से पहला है आग की बारिश करने वाला ड्रोन तपस, और दूसरा है दुश्मन की सीमा में घुसकर बमबारी करने वाला ड्रोन घातक। इन दोनों हथियारों का नाम भले ही आपने पहले सुन रखा हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के तपस ड्रोन की। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में कई बार हस्तक्षेप कर चुके हैं। पाकिस्तान भले ही कंगाली के मुहाने पर खड़ा हो, लेकिन वो ड्रोन क्षेत्र में भारत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत भी ऐसे ड्रोन की फौज उतारने की कोशिश कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ सके, और भारत की ये तलाश पूरी हुई है तपस ड्रोन पर। भारत के तपस ड्रोन ने तुर्की और अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर को टक्कर दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इस अत्याधुनिक ड्रोन को तैयार किया है। दोस्तों, ताकत के मामले में तपस तुर्की के TB2 ड्रोन का भी बाप है। सबसे पहले हम आपको इस ड्रोन की ताकत के बारे में बताते हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में ये ड्रोन कितना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों,
भारत ने अपने पहले स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन तपस का निर्माण करके पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत भी घातक ड्रोनों का निर्माण कर सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये चीन और पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके ऊपर हमला करके वापस भी आ जाएगा और सीमा पर तैनात चीनी और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम देखते रह जाएंगे। तपस एक मेल ड्रोन है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जिसे खास तौर पर तुर्की के TB2 और चीन द्वारा तैयार किए गए ड्रोन का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। इस ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये LAC और LOC पर निगरानी का काम तो कर ही सकता है, साथ ही जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर अटैक भी कर सकता है। दोस्तों, तपस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरते हुए दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है। तपस ड्रोन 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार 1000 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारत का तपस खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये रियल टाइम हाई रेजुलेशन इंडोरेंस सर्विलांस एंड रिकोसेंस जैसे काम भी कर सकता है। अगर टारगेट को लॉक कर दिया जाए तो ये लेजर बीम की मदद से लेजर गाइडेड मिसाइल या फ्लाइट जेट के माध्यम से टारगेट को तबाह कर सकता है। अगर ये कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो तो अपनी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से भी हमला कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों का प्लान है कि आने वाले समय में इस ड्रोन को दुर्गा 2 जैसे लेजर हथियारों से भी लैस किया जाएगा, जिसके बाद भारत का तपस दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर ड्रोन बन जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ एक ही लेवल का ड्रोन है। भारत के वैज्ञानिकों ने तपस के जैसा ही एक और ड्रोन को तैयार कर लिया है और इस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन। अपने नाम के मुताबिक ही ये बेहद ही घातक है। दिखने में ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। टेस्टिंग के दौरान इसने खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग कर लिया था। दोस्तों, घातक ड्रोन की ये उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घातक ड्रोन को ADE यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। इस ड्रोन को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन और रेंज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इस ड्रोन की सबसे खास बात ये है कि ये दुश्मनों पर मिसाइल की बौछार कर सकता है, साथ ही इससे बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। इसमें भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया कावेरी इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो घातक ड्रोन को 52 किलो न्यूटन की ताकत प्रदान करता है। इस इंजन को तेजस के लिए बनाया गया था, लेकिन तेजस को ताकत प्रदान करने में ये नाकाम रहा था। दोस्तों, इन दोनों ड्रोनों के बारे में ज्यादा जानकारी DRDO द्वारा पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की गई है, लेकिन जितनी जानकारी DRDO द्वारा दी गई है उसकी तुलना अगर तुर्की और अमेरिकी ड्रोन से करें तो भारत के ड्रोन्स ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देते हैं। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भारत को फ्यूचरिस्टिक ड्रोनों के लिए किसी दूसरे देश के सामने लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि भारत खुद के तकनीक से ही ड्रोन तैयार कर लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपका क्या कहना है इस ड्रोन को लेकर, आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।